Hello everyone. Today we'll start with classwork 4. Up to classwork 3, we have studied how to add, subtract or multiply any two given fractions. In classwork 4, we will be studying how to divide two particular fractions. So without any further ado, here you can pause the video and copy the classwork 4. So I'll erase the code and we will be solving these 9 sums in classwork 4. So starting with the first sum, the first sub part, 3 divided by 3 upon 5. So here we have to divide these particular two fractions. यहाँ पे 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो upon 1 लिख देता हूँ. Multiplication हमने last exercise में, last classwork में किया. How to multiply two fractions? तो उसमें 2 steps follow करते हैं. Addition and subtraction में 5 steps are to be followed. इन मल्टीप्लीकेशन वी वर फॉलोइंग 2 स्टेप्स. क्वेश्चन कॉपी करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 इज द सोल्यूशन. न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई. इन डिवीजन देयर आर 3 स्टेप्स. हमें डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है और फिर मल्टीप्लीकेशन के 2 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. सो वेरी सिंपल, सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करने का, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखने का, डिवीजन के बदले मल्टीप्लीकेशन का साइन डालने का और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेने का. तो 3 अपॉन 5 को हम क्या लिख देंगे, 5 अपॉन 3. तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन में. सो फर्स्ट वी विल बी कन्वर्टिंग डिवीजन इनटू मल्टीप्लीकेशन एंड देन हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. सो अभी हम मल्टीप्लीकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सो ये 3 दोनों 3 में डिविजिबल है. अभी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1. 1 से कैंसिल करके कुछ फायदा नहीं है, तो अदर देन 1 देयर इज नो कॉमन फैक्टर. सो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई. 1 5 जा 5 अपॉन 1 1 जा 1. सो माय आंसर इज 5 अपॉन 1. अपॉन 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो द आंसर इज सिंपली 5. सो दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट ऑफ सम नंबर 1. कमिंग टू द सेकंड सब पार्ट, इन सेकेंड सब पार्ट द क्वेश्चन इज सो पहले हमें क्या करना है, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, विच इज वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहले ये जो नेगेटिव साइन है वो बीच में है, तो उसे मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा. डिवीजन के बदले मल्टीप्लीकेशन डालेंगे तो 1 अपॉन 16 का बन जाएगा 16 अपॉन 1. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस इज वेरी वेरी सिंपल. योर 12 एंड 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, तो 4 3 जा 4 4 जा. अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. 5 4 जा न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई, 5 4 is 20, 3 1 is 3 upon denominators multiply. So this is my final answer, minus 20 upon 3. Coming to the third sub part. The question is, सो डिवीजन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में. तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, खाली ये जो नेगेटिव साइन बीच में उसे हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे. माइनस 21 अपॉन 16, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन और रेसिप्रोकल लेना है, जो सेकंड फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल लेना है. तो माइनस 7 अपॉन 8 माइनस एज इट इज रहेगा और 7 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8 अपॉन 7.
माइनस को जब नीचे भेजेंगे तो वापस से उसको ऊपर लेना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन का प्लेस शिफ्ट नहीं करना है, नेगेटिव एज इट इज और नंबर्स का रेसिप्रोकल ले लेना है। 7/8 का क्या हो जाएगा, 8/7। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, कैंसिलेशन करेंगे, दो नेगेटिव साइन है तो कैंसिल हो जाता है, क्लास ऑफ 3 में ऑलरेडी कर लिया है। 8 और 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 8, 4 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 8 में भी जा रहा है, 8 1 8 2 7 1 7 3। अभी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, तो 3 1 3, कोई माइनस साइन भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल हो गए हैं, अपॉन 2 1 2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। कमिंग टू द फोर्थ सब पार्ट, द क्वेश्चन इज जीरो डिवाइडेड बाय -4/7। सो अ वेरी सिंपल सम, जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1, डिविजन को वी विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो 0/1 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन जो बीच में है उसे ऊपर लेके जाता हूं, और जब डिविजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको उल्टा करना है, तो 4/7 का हो जाएगा 7/4, बट 0 इंटू एनी वैल्यू, इफ आई रिमूव दिस अपॉन 1, ये हमने प्रीवियस क्लासवर्क में डिस्कस कर दिया, 0 इंटू एनी वैल्यू इज 0 इटसेल्फ, तो 0 इज द फाइनल आंसर। एनी वैल्यू इंटू 1 इज द सेम वैल्यू, एनी वैल्यू इंटू 0 इज 0, ये दो टर्म्स हमें याद रखने हैं। सो दिस इज क्लास, सॉरी दिस इज सब पार्ट 4। कमिंग टू द फिफ्थ सब पार्ट, द लास्ट सब पार्ट ऑफ दिस सम नंबर 1, अपॉन 4 सो द फर्स्ट फ्रैक्शन विल रिमेन एज इट इज, डिविजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, नेगेटिव साइन जो बीच में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 5/12 का 12/5 बन जाएगा। जब डिविजन के बदले मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं, सो वेरी सिंपल। अभी हमें हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शन पता है, तो कैंसिलेशन करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 1 4 3। नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1, तो हमें लास्ट स्टेप हमारा क्या है, नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 9, 1 × 5 5, तो -9/5 इज द आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लासवर्क 4। हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द क्वेश्चन नंबर 1, the solution of the question number 1. So, starting with sum number 2. Very simple classwork. Question number 2. Is divide. Same type of sum, the first sub part. The question given is so my solution will be by के बदले किसका साइन आ जाएगा, division का, तो first number as it is, बाई का बदले कौन सा साइन आ जाएगा, डिविजन का, एंड सेकेंड नंबर एज इट इज। सो नाउ दिस इज वेरी सिंपल, अभी क्वेश्चन 2 को हमने क्वेश्चन 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज, -2/1 कुछ भी नहीं है तो 1, डिविजन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में, माइनस साइन ऊपर आएगा, और जब डिविजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/2 का हो जाएगा 2/1। हियर वी कैन सी सिर्फ माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1, तो कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सो फाइनल आंसर विल बी न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई 1 × 1 = 1, और अपॉन 1 नहीं लिखते तो चलता है, तो मेरा आंसर हो गया 4। सो दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट। कमिंग टू द सेकेंड सब पार्ट, द क्वेश्चन इज
अगेन वेरी सिंपल, बाई के बदले डिविजन का साइन डालना है, तो फर्स्ट नंबर एज इट इज कॉपी करूंगा, जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमिनेटर में लिख दूंगा, माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय -9/16, सिर्फ ये जो नेगेटिव साइन है वो बीच में के बदले न्यूमिनेटर में लिख दिया। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शन विल रिमेन एज इट इज, डिविजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, और जब डिविजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, तो 9/16 विल बिकम 16/9। ये नेगेटिव साइन नीचे लेके जाएंगे तो वापस उसे ऊपर लाना पड़ेगा, तो नेगेटिव साइन को शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन का जो वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना है, और स्टेप नंबर 2 में सोल्यूशन लिखना है। तो दो नेगेटिव साइन कैंसिल हो रहे हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 and 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3, 3 1 3 3 4 and 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, 4 1 4 4। नाउ देयर इज नो एनी अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो द सोल्यूशन विल बी नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, 1 into 4 is 4, 1 into 3 is 3, सो दिस इज माई सोल्यूशन। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सम नंबर 2। नाउ यू नो हाउ टू डिवाइड टू पर्टिकुलर फ्रैक्शन, सो अभी हमें फ्रैक्शन को एड सब्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने आ गया। सो कमिंग टू सम नंबर 3, इन क्वेश्चन नंबर 3 आई विल कॉपी द क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -4/9, इफ वन ऑफ देम इज -2/27 फाइंड द अदर। वेरी सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स विल गिव यू द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स, सो आई कैन राइट फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर और द अदर नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू अदर नंबर विल बी द प्रोडक्ट, सो योर फर्स्ट नंबर इनटू अदर नंबर इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। यहां पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है, इफ वन ऑफ देम, तो -2/27 है, मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर नहीं है, फाइंड द अदर, अदर नंबर नहीं है तो अदर नंबर को मैं एज इट इज लिखता हूं, इक्वल टू प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट गिवन इज -4/9, तो माइनस ऑफ 4/9। सो अदर नंबर ढूंढना है हमें, तो अदर नंबर को हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे मतलब सेपरेट कर देंगे, अदर नंबर एक बाजू रहेगा, बाकी सारे नंबर्स एक बाजू रहेंगे। वेरी सिंपल, एडिशन शिफ्ट होता है तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट होता है तो सॉरी एडिशन शिफ्ट होता है तो सब्रैक्शन, सब्रैक्शन शिफ्ट होता है तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ऑन शिफ्टिंग ऑन द अदर साइड बिकम्स डिविजन, एंड डिविजन ऑन अदर साइड शिफ्टिंग ऑन अदर साइड बिकम्स मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन वो बाजू शिफ्ट हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन जब शिफ्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, डिविजन बन जाता है। सो अदर नंबर इक्वल टू, अदर नंबर यहां पे रहेगा, माइनस साइन जो बीच में है वो न्यूमरेटर में लिख देता हूं, -4/9, और मल्टीप्लीकेशन जब शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिविजन, -2/27। रिमेंबर बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक करते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन को उधर शिफ्ट करते हैं, डिवीजन लिखते हैं और इसको भी उल्टा कर देते हैं, वैसा नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट होकर डिवीजन बन जाएगा, दैट्स इट, नंबर विल रिमेन एज इट इज।
सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व सम नंबर थ्री. फर्स्ट नंबर इनटू अदर नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट. फर्स्ट नंबर सब्सटीट्यूट करेंगे, प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन शिफ्ट होकर डिविजन बन जाएगा. नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व डिविजन ऑफ टू नंबर. सो माइनस फोर अपॉन नाइन विल रिमेन एज इट इज. डिविजन को जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे हम. तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा. टू अपॉन 27 विल बिकम 27 अपॉन 2. सो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. 27 एंड 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3. 3 3s आर 3 9s आर 27. 3 एंड 9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3. 3 1s आर 3 3s आर 2 एंड 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2. तो 2 1s आर 2 2s आर. नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई. 2 3s आर 6 अपॉन 1 इनटू 1 इज 1. तो 6 अपॉन 1 विल बी कैन बी रिटन एज 6. सो व्हाट इज द अदर नंबर? अदर नंबर इक्वल टू 6. तो हमने अदर नंबर ढूंढ लिया एंड माय सम इज कंप्लीटेड. तो दिस इज सम नंबर 3. कमिंग टू सम नंबर 4. सिमिलर टाइप ऑफ सम. Same concept will be applied. What is given? M into N equal to minus 25 upon 9. तो वो मैं लिख देता हूं. Now, in the first sub part of sum number 4, M का value दिया है और N का value ढूंढना है. तो same as this. M का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं. M के बदले क्या लिखना है मुझे? 5 अपॉन 3. सो जो मेरा गिवन इक्वेशन है, दिस इज माय गिवन इक्वेशन. इसमें इफ आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ M तो मुझे N का वैल्यू मिल जाएगा, और N का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूं तो M का वैल्यू मिल जाएगा. सो दिस इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है. इसमें हमें M का वैल्यू डाल के N का वैल्यू ढूंढना है. तो M के बदले वी विल सब्सटीट्यूट 5 अपॉन 3 इंटू N इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 9. Now the same method to be applied. जो ढूंढना है उसको isolate करेंगे. Isolate करेंगे मतलब separate करेंगे. वो एक बाजू होगा, बाकी सारे numbers दूसरे बाजू आ जाएंगे. तो क्या ढूंढना है? N. तो N left hand side पे रहेगा और N के साथ जो भी है वो right side पे चले जाएगा. तो right side पे already कौन है? Minus 25 upon 9. और multiplication जब shift होगा तो वो क्या बन जाएगा? Division बन जाएगा. And now we know how to divide two particular फ्रैक्शंस. सो दिस इज वेरी सिंपल. फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज कॉपी करेंगे, डिविजन के बदले मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो 5 अपॉन 3 का 3 अपॉन 5 बन जाएगा. अभी कैंसिलेशन करना है. 3 1s आर 3 3s आर 5 1s आर 5 5s आर. सो माई फाइनल आंसर विल बी, अभी कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड होगा. न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ एन. So, मेरे गिवन इक्वेशन में मैं m का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे n का वैल्यू मिल जाएगा. सिमिलरली वी कैन सॉल्व द सेकेंड सब पार्ट ऑफ सम नंबर 4. सेकेंड सब पार्ट में व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड कॉपी द सम नंबर 3. सो आई कैन सॉल्व द सेकेंड सब पार्ट ऑफ सम नंबर 4. सो इरेजिंग सम नंबर 3 एंड सॉल्विंग द सेकेंड सब पार्ट. So what is the second subpart? This is fourth का second subpart. If n equal to 10 upon 9, find m. m का value डाला तो n मिल गया. तो n का value डालूंगा
मेरे गिवन इक्वेशन में तो m मिल जाएगा. सो द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड सब पार्ट, मेरा गिवन इक्वेशन क्या है, m इंटू एन इक्वल टू माइनस 25/9. हियर आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n. सो m इंटू एम विल रिमेन एज इट इज. माइनस साइन में न्यूमरेटर में ले लेता हूं, माइनस 10/9 इक्वल टू माइनस 25/9. सो जो ढूंढना है वो आइसोलेट करेंगे, जो भी ढूंढना है वो आइसोलेट, मतलब वो एक बाजू रहेगा नंबर दूसरे बाजू, और मल्टीप्लीकेशन जब शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 25/9 एज इट इज एंड मल्टीप्लीकेशन ऑन शिफ्टिंग विल बिकम डिविजन. नंबर्स को उल्टा अभी नहीं करना है, जब डिविजन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा तब सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे. तो अभी के लिए सिर्फ मल्टीप्लीकेशन उधर जा रहा है तो क्या बन जाएगा, डिविजन, और ये माइनस 10/9 एज इट इज आ जाएगा यहां पे माइनस 10/9. सो m इक्वल टू माइनस 25/9 इन टू माइनस एज इट इज 10/9 विल बिकम 9/10. तो 9 1s 9 1s 5 2s 5 5s, दोनों नेगेटिव साइन भी कैंसिल, तो नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. न्यूमरेटर में 5 × 1 विल बी 5, 1 × 2 विल बी 2. सो दिस इज माई m का वैल्यू. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सम नंबर 4. सो वेरी सिंपल, हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 4. स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट सम, अगेन अ वेरी सिंपल सम. बेस्ड ऑन द सेम टाइप, सम नंबर 5. I'll write the question over here. By what number should minus 8/13 be multiplied to get 16? Same type of solution. By what number? So I will take the number to be x. So let the number be x. जो ढूंढना है उसको मैंने क्या ले लिया, x ले लिया. अभी मुझे क्या करना है, ये नंबर को 8/-13 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट, मतलब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा. तो आई कैन राइट ओवर हियर, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. जो मेरा गिवन स्टेटमेंट है ना उसको मैं क्या करूंगा, मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा. तो मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व करके मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा, और x मिल गया मतलब रिक्वायर्ड नंबर मिल गया. सो मुझे क्या करना है, ये स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वेरी सिंपल, नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर. तो मेरा नंबर क्या लिया है मैंने, x, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय -8/13, या तो इसके एक्चुअल वर्ड्स में अगर हम बोले बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड, मतलब -8/13 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या ले लिया वो नंबर को x, टू गेट मतलब इक्वल टू 16. सो ये मेरा क्या हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. बाय व्हाट नंबर, ये नंबर के बदले क्या लिया हमने, एक्स लिया. तो बाय व्हाट नंबर शुड -8/13 बी मल्टीप्लाइड, तो -8/13 बी मल्टीप्लाइड विद एक्स टू गेट मतलब इक्वल टू 16. अभी यहां पे कुछ भी नहीं है तो अपॉन वन, या तो सिंपली जो ढूंढना है उसे हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो एक बाजू रहेगा और बाकी के नंबर दूसरे बाजू. तो लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, x, राइट साइड को ऑलरेडी कौन है 16, और मल्टीप्लीकेशन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो डिविजन बन जाएगा. तो x इक्वल टू 16 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन वन, 16/1. डिविजन को जब मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, माइनस साइन न्यूमरेटर में रखेंगे, 8/13 विल बिकम 13/8. वेरी इजी टू सॉल्व, 8 1s 8 2s, नाउ देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई. तो माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 × 13 = 26/1. तो x इक्वल टू -26/1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा. देयरफोर
required number equal to minus 26. So very simple sum. सिर्फ हमने इसमें क्या किया, हमने स्टेटमेंट फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. फिर कोई भी अननोन वैल्यू कैसे ढूंढते हैं वो हमने प्रीवियस सम में भी कर लिया है. उसे आइसोलेट करना है, मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट होकर डिवीजन बन जाता है और सॉल्व करके जो रिक्वायर्ड है उसका आंसर मिल जाता है. सो दिस इज सम नंबर 5. हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सॉल्यूशन ऑफ द सम नंबर 5. सो स्टार्टिंग विथ सम नंबर 6. राइट क्वेश्चन हुआ द बोर्ड. वेरी सिंपल सम. थ्री एंड हाफ लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट रुपीज 49. तो थ्री एंड हाफ लीटर्स ऑफ मिल्क का कितना कॉस्ट है? 49. हमें 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट ढूंढना है. सो वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क वी हैव टू फाइंड. सो हियर वी विल डू दिस टेबल मेथड. इसमें ना टेबल बनाएंगे हम. ये टाइप का जब भी सम आएगा जिसमें तीन वैल्यूज दिए हैं. कौन से तीन वैल्यूज दिए हैं? दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द सेकंड वैल्यू एंड 1 दिस इज द थर्ड वैल्यू. तो तीन वैल्यू दिए हैं और कॉस्ट ढूंढना है तो फोर्थ वैल्यू ढूंढना है. सो थ्री वैल्यूज गिवन ऑन और 1 वैल्यू अगर फाइंड करना है तो वी विल मेक अ टेबल. क्या बनाएंगे हम? टेबल बनाएंगे. नाउ this is milk in liters and cost in rupees. क्या दिया है? 3.5 liters of milk का cost कितना है? 49. यहां पर rupees लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि common rupees लिख दिया है. यहां पर liters लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर liters लिख दिया है. Find the cost. तो cost को क्या ले लेता हूं मैं, जो ढूंढना है उसको क्या ले लेता हूं? X. Find the cost of 1 liter milk. तो मिल्क कितना है? 1 लीटर. सो दिस इज माय टेबल. नाउ व्हेन 3 वैल्यूज आर गिवन एंड 1 वैल्यू फाइंड करना है तो टेबल बनाना है. टेबल को सॉल्व कैसे करना है? वेरी सिंपल, लेट द कॉस्ट रुपीज एक्स एंड हमें यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. मतलब एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स इंटू 3.5 इक्वल टू 1 इंटू 49. दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टेबल एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. सो एक्स इंटू ये मिक्स्ड नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. 3 2 6 6 + 1 7/2. दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 × 2 6 6 + 1 7 7/2. 1 × 49 विल बी 49. एनी नंबर इनटू 1 इज द नंबर इटसेल्फ. 1 × 49 इज 49. अब x ढूंढना है तो x को आइसोलेट करेंगे तो x के साथ जो भी है वो दूसरे बाजू शिफ्ट हो जाएगा. मल्टीप्लीकेशन जब शिफ्ट होता है तो वो डिवीजन बन जाता है. तो 49 एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन ऑन शिफ्टिंग विल बिकम डिवीजन.
और ये 7/2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये मल्टीप्लीकेशन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा डिविजन। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, 49 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपॉन 1, डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, जो पीछे वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेंगे, 7/2 विल बिकम 2/7, कैंसिलेशन 7/1 7/7। अभी और कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो x इक्वल टू 7 × 2 = 14 / 1 × 1 = 1, तो x इक्वल टू 14, सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज ₹14 एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ सम्स, जिसमें 3 वैल्यूज दिया है और एक वैल्यू ढूंढना है, तो हमें ये मेथड अप्लाई करना है, वेरी सिंपल, टेबल बनाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे, x एक बाजू, नंबर्स एक बाजू, और मल्टीप्लीकेशन ऑन शिफ्टिंग विल बिकम डिविजन। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व सम नंबर 6, सो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड कॉपी सम नंबर सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 6। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7, आई राइट द क्वेश्चन ओवर हियर, डिवाइड द सम ऑफ 3/7 एंड -5/14 बाय -1/2। सो अगेन स्टेटमेंट फॉर्म को कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में। सो वेरी सिंपल, डिवाइड, डिवाइड मतलब बीच में कौन सा साइन आएगा, डिवीजन का साइन आएगा, लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर और राइट साइड पे सेकंड नंबर, किसको डिवाइड करना है, सम ऑफ 3/7 एंड -5/14, मतलब 3/7 एंड -5/14 के सम को डिवाइड करना है, तो वो आगे आ जाएगा। सो ब्रैकेट अभी नहीं आएगा, लिख देते ब्रैकेट्स में, सम मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस किसका सम, 3/7 एंड -5/14 के सम को किससे डिवाइड करना है, वो इधर आएगा। सो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में, एंड मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इज वेरी सिंपल, डिवाइड मतलब डिवीजन का साइन, जिसको डिवाइड करना है वो यहां पे, जिससे डिवाइड करना है वो यहां पे, यहां पे आएगा जिसको और यहां पे आएगा जिससे, जिसको डिवाइड करेंगे वो हम आगे लिखेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे वो हम पीछे लिखेंगे, वेरी सिंपल मेथड। तो हमने क्या किया, स्टेटमेंट को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो वी हैव टू डिवाइड द सम ऑफ 3/7 एंड -5/14 बाय, मतलब जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, -1/2 से। सो ये भी याद रखेंगे, जिसको डिवाइड करना है एंड जिससे डिवाइड करना है वो भी ब्रैकेट्स में आएगा, बीच में डिवीजन का साइन, जिसको डिवाइड करना है वो आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना है वो पीछे ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस, सो वेरी सिंपल, बॉडमास रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर यहां पे क्या है, एडिशन है, तो हाउ टू एड सब्ट्रैक्ट टू फ्रैक्शन, तो 5 स्टेप्स फॉलो करना है जो हमने क्लासवर्क 1 और क्लासवर्क 2 में कर लिया है। स्टेप नंबर 1, नॉट एप्लीकेबल, कोई भी साइन बीच में या डिनोमिनेटर में नहीं है। स्टेप नंबर 2, एप्लीकेबल, दो साइन साथ में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/7 प्लस -5/14, दिस विल वी विल बी कॉपिंग एज इट इज, क्योंकि यहां पे कोई भी सॉल्विंग नहीं है और ये एक ही नंबर है, तो इसको ब्रैकेट्स में से भी निकाल सकते हैं, तो -1/2 को सिंपली अपन -1/2 लिख सकते हैं विदाउट ब्रैकेट्स। यहां पे हम फ्रैक्शन को एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, 5। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, एप्लीकेबल, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय टेकिंग द एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ
7 एंड 14, तो वेरी सिंपल, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, 2 7 जा 12 इज 14, मतलब डिनोमिनेटर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, 14 में, सो 3 अपॉन 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में परफॉर्म करेंगे, ऑलरेडी 14 है तो इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, तो 3 2 आर 6 अपॉन 14 माइनस 5 अपॉन 14. आफ्टर स्टेप 3, स्टेप 4, व्हाट इज स्टेप 4, बाय टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर सॉल्व द न्यूमरेटर, सॉल्व द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर्स को साथ में लिखना है, सो दिस विल बिकम, एंड द स्टेप नंबर 5 इज द सॉल्यूशन, तो 6 माइनस 5 इज 1 अपॉन 14 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 2. नाउ हाउ टू डिवाइड टू fractions, ये भी अभी आपको आता है, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज डिविजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, और सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, माइनस एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन 2 विल बिकम 2 अपॉन 1, कैंसिलेशन माइनस साइन कैंसिल नहीं होगा, 2 1 सा 2 7 सा, और कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, 1 1 सा 1, 7 इंटू 1 7, ये यू नीड टू टेक केयर, बहुत सारे बच्चे यहां मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ 7 दिख रहा है ना तो आंसर माइनस 7 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग, ये जो 7 बचा है वो डिनोमिनेटर में बचा है और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो 1 इंटू 1 विल बी 1 एंड आंसर विल बी माइनस 1 अपॉन 7 नॉट माइनस 7, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 7 दिख रहा है ना तो 7 आंसर में नहीं आएगा, 7 डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन 7 आंसर में आएगा, एंड माइनस साइन कैरी फॉरवर्ड किया है, सो ये हमने सॉल्व कर लिया सम नंबर 7. हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सम नंबर 7, वेरी सिंपल क्लास वर्क नंबर 4, डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस इसमें हमने सीखा है, सो दिस इज सम नंबर 7, स्टार्टिंग विद सम नंबर 8. ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन, तो n के बदले वी हैव टू पुट 4 अपॉन 5 एंड n के बदले वी हैव टू पुट माइनस 3 अपॉन 10 एंड देन वी हैव टू सॉल्व द गिवन सम, वेरी सिंपल, m के बदले क्या लिखना है, 4 अपॉन 5 प्लस n के बदले आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 5, एन के बदले आ जाएगा माइनस 4 अपॉन 5 माइनस साइन एज इट इज और एन के बदले आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 10. सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बॉटनॉस रूल के हिसाब से, ब्रैकेट्स में हमें क्या करना है, एड सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस को, तो हाउ टू एड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, वी हैव टू फॉलो द 5 स्टेप्स, तो स्टेप नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल, कोई भी साइन डिनोमिनेटर या बीच में नहीं है तो स्टेप नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है, स्टेप नंबर 2 एप्लीकेबल, इफ टू साइंस आर टुगेदर मल्टीप्लाई द साइंस, सो 4 अपॉन 5 प्लस माइनस विल बिकम माइनस, ये डिविजन साइन एज इट इज, माइनस इनटू माइनस विल बिकम प्लस, स्टेप नंबर 3 मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10, यू कैन सॉल्व एंड सी, तो डिनोमिनेटर्स को 10 में कन्वर्ट करना है,
तो 4 अपॉन 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में, ऑलरेडी 10 है तो इंटू 1 इंटू 1, सेम वे यहां पे इंटू 2 आएगा और यहां पे इंटू 1 आएगा। सो 4 टू जा 8 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10। स्टेप नंबर 4, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो बाय टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर सॉल्व द न्यूमरेटर। सॉल्व द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर को साथ में लिखना है, तो ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 3, यहां पे ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 3। स्टेप नंबर 5 इज द सॉल्यूशन, तो 8 माइनस 5 इज 8 माइनस 3 इज 5 अपॉन 10, 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 10। नाउ वी नो हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस, तो टू फ्रैक्शंस को डिवाइड करने आता है, वेरी सिंपल, 5 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 11, 10 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई, 5 1 इज 5 एंड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, 1 इंटू 11 इज 11। सो दिस इज द सॉल्यूशन, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सम नंबर 8। नाउ कमिंग टू द लास्ट सम ऑफ द क्लास वर्क, सम नंबर 9, हियर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सम नंबर 8। सम नंबर 9, आई राइट द क्वेश्चन ओवर हियर, डिवाइड द सम ऑफ 5 अपॉन 8 एंड माइनस 11 अपॉन 12 बाय द डिफरेंस ऑफ 3 अपॉन 7 एंड 5 अपॉन 14। सो सिमिलर टाइप ऑफ सम, स्टेटमेंट को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में, डिवाइड मतलब बीच में डिवीजन का साइन आ जाएगा, जिसको डिवाइड करना है वो आगे ब्रैकेट में, जिससे डिवाइड करना है वो पीछे ब्रैकेट में। किसको डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस, तो सम मतलब बीच में प्लस, किसका सम, 5 अपॉन 8 का और माइनस 11 अपॉन 12 का सम, जिससे डिवाइड करना है वो पीछे आएगा। वी हैव टू डिवाइड द सम ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस बाय द डिफरेंस, तो जिससे डिवाइड करना है वो क्या डिफरेंस है ये दो फ्रैक्शंस का, तो 3 अपॉन 7 आगे 5 अपॉन 14 पीछे। तो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे स्टेटमेंट फॉर्म को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, सेम है सम नंबर 8, 8 में कैसे सॉल्विंग किया वही हमें वापस से रिपीट करना है। तो वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट्स में क्या है, वी हैव टू एड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के कितने स्टेप है, 5। स्टेप नंबर 1 नॉट एप्लीकेबल, कोई भी साइन बीच में या डिनोमिनेटर में नहीं है। स्टेप नंबर 2 एप्लीकेबल, यहां पे एप्लीकेबल है, यहां पे नहीं है बट अप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 5 अपॉन 8 प्लस माइनस विल बिकम माइनस 11 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 7 माइनस 5 अपॉन 14। नाउ स्टेप नंबर 3 एप्लीकेबल, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम, यहां का अलग है एलसीएम, यहां का अलग है, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 वी कैन फाइंड एंड सी, 8 कॉमा 12 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 3 इज नॉट डिविजिबल, तो 3 एज इट इज आ जाएगा, 3 1 जा 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24 एंड एलसीएम ऑफ 7 एंड 14 इफ यू विल फाइंड यू विल गेट 14।
मतलब डिनोमिनेटर्स को, ये ब्रैकेट के डिनोमिनेटर्स को 24 में कन्वर्ट करना है और ये ब्रैकेट के डिनोमिनेटर्स को 14 में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट करते हैं हम, 8 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में परफॉर्म करेंगे। 12 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी अच्छा 14 में कन्वर्ट करना है, नाउ इसके डिनोमिनेटर्स को 14 में कन्वर्ट करना है, तो 7 को 14 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम ऑपरेशन न्यूमरेटर में परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी 14 है तो into 1, सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी 5 threes are 15 upon 24 minus 22 upon 24 divided by 3 twos are 6 upon 14 minus 5 upon 14। तो स्टेप नंबर 3 इज कंप्लीटेड, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दिया बाय टेकिंग द एलसीएम। स्टेप नंबर 4 बाय टेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर, तो यहां पे अपॉन 24 और यहां पे अपॉन 14, सॉल्व द न्यूमरेटर। सॉल्व द न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर्स को साथ में लिखना है, 15 minus 22 और यहां पे 6 minus 5, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और बीच में डिविजन का साइन है। एंड स्टेप नंबर 5 इज द सोल्यूशन, दिस इज हाउ यू एड सबट्रैक्ट फ्रैक्शंस विच यू आर डूइंग फ्रॉम क्लासवर्क 1। सो 15 minus 22, 15 के आगे कोई भी साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है, तो बिगर माइनस स्मॉलर, तो 22 बिगर माइनस स्मॉलर मतलब 22 माइनस 15 विल बी 7 एंड साइन ऑफ द बड़ू नंबर, तो 22 का साइन आ जाएगा अपॉन 24 डिवाइडेड बाय 6 minus 5 is 1 अपॉन 14। नाउ वी नो हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज डिविजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और सेकेंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। सो इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 तो कैंसिल करना है, तो 24 एंड 14 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 12s are 2 7s are, सो माइनस अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो माइनस एंड कैरी फॉरवर्ड, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, 7 7s are 49, 12 1s are 12, सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ सम नंबर 9। आई जस्ट चेक द आंसर ऑफ दिस, सो दिस इज करेक्ट। सो यर वी कंप्लीट क्लासवर्क 4, यर यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी द सम नंबर सोल्यूशन ऑफ सम नंबर 9। सो यू विल बी गेटिंग द होमवर्क 4 फ्रॉम अस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विथ क्लासवर्क 5। सो थैंक यू वेरी मच।